Good morning students. In this video, our topic is Introduction to Information Technology Part 2. In the last video, we already read about Introduction to Information Technology, but that was part first, and this is part second. In last video we already cover three questions so we are continued from fourth questions what are the four main subsectors in the it bpm industry the full form of it bpm is information technology basic process management industry so first service is it service सबसे इन्वॉल्व अ रेंज ऑफ इंगेजमेंट टाइप्स दैट इंक्लूड रिजल्ट सॉरी कंसल्टिंग सिस्टम इंटीग्रेशन आईटी आउटसोर्सिंग मैनेज्ड सर्विसेज हॉस्टिंग सर्विसेज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट और मेंटेनेंस ये कैसा ऐसा सबसे है जिसके अंदर कुछ टाइप्स के रेंज ऑफ इंगेजमेंट होते हैं जैसे हम बोल सकते हैं कि कंसल्टिंग आपस में एक दूसरे से कंसल्टेशन करना बातचीत करना सिस्टम इंटीग्रेशन सिस्टम्स को आपस में इंटीग्रेट करना दैट मीन्स जोड़ना आईटी आउटसोर्सिंग और मैनेज्ड सर्विसेज और होस्टिंग सर्विसेज, आईटी की आउटसोर्सिंग करना इसके अलावा सर्विसेज को मैनेज करना या फिर सर्विसेज को होस्ट करना ट्रेनिंग सभी एम्प्लॉइज से रिलेटेड ट्रेनिंग और उसका मेंटेनेंस करने का काम ये कौन से सेक्टर के अंदर होता है आईटी सर्विसेज के अंदर सेकंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट दिस इज सब सेक्टर ऑफ आईटी बीपीएम इंडस्ट्री सब सेक्टर इंडस्ट्री डील्स विथ द मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर बिजनेस प्रोसेस बाय एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर किसी एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक और एक से ज़्यादा बिजनेस को प्रोसेस किया जाता है और उसका मैनेजमेंट किया जाता है एज एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि एक कोई विदेशी कंपनी और वह विदेशी कंपनी भारत में आकर एक से ज़्यादा बिजनेस को उस बिजनेस का मैनेजमेंट कर रही है दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सबसेक्टर्स थर्ड वन इज़ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स द आई टी इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन द एरिया ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यह इंडस्ट्री कहाँ पर अपनी सर्विसेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं थ्रू एनी ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर हम किसी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल से रिलेटेड बात कर सकते हैं इज रिफर्ड टू एज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सब सेक्टर्स और भी यह सभी मिल जाकर ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स सब सेक्टर फोर्थ वन इज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन शॉर्ट फॉर्म ई आर डी सर्विसेस आर दोज दैट इंक्रीज और मैनेज प्रोसेस विच आर रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज यह एक ऐसी सर्विस है जो कि इंक्रीज करने का काम करती है मैनेज करने का काम करती है और कहाँ से रिलेटेड होती है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होती है ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा कंप्यूटर सिस्टम से अलग है अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं हम इसके बाद में एक और वीडियो शेयर करेंगे उस वीडियो के थ्रू आपको यादव क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव गिव एग्जाम्पल ऑफ यूज़ ऑफ आई टी इन एवरी डे लाइफ हमारी डेली लाइफ में आई टी का यूज़ किस प्रकार होता है उसके एग्जाम्पल दीजिए द यूज़ ऑफ आई टी इन आवर डेली लाइफ इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक वॉचिंग मूवीज playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking tickets to travel, bank operations, etc. ये सारे वही एरियाज है जहाँ पर हम अपनी डेली लाइफ में आई टी का यूज करते हैं आई टी इन डेली लाइफ इज ऑल्सो यूज इन वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स यूजिंग विच हैव एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आई टी का यूज़ हम नॉर्मली वॉशिंग मशीन के अंदर या फिर माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी करते हैं जिसके अंदर एम्बेडेड सॉफ़्टवेयर लगा हुआ होता है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर दैट मीन्स आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर एक टाइम मशीन लगी होती है जिसमें उसका टाइम फिक्स होता है कि आपको फिफ्टीन मिनट के लिए उसको मशीन को यूज़ करना है अगर अपन उसको फिफ्टीन मिनट तक uh, सेट कर देते तो आफ्टर फिफ्टीन मिनट एक बजर बजता है और वह मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है इसी टाइप से माइक्रोवेव ओवन ओवन का यूज़ भी आपने बहुत से टाइम देखा होगा कि उसका एक बार टेम्परेचर सेट करने के बाद में उसको रख दिया जाता है जो भी आइटम हमें उसमें कुक करना है और उसके बाद उसको कुछ टाइम बाद निकाल दिया जाता है तो यह सभी एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है वी कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अवर इम्पोर्टेंट वर्क अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल्स एंड लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन अ कंप्यूटर हम हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हुआ हमारे कुछ अपॉइंटमेंट का शेड्यूल हुआ या फिर बहुत सारे कॉन्टैक्ट की लिस्ट हुई उनको हम हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स हाउ इज़ आई टी यूज इन लाइब्रेरीज हमारे स्कूल में भी लाइब्रेरीज है लेकिन वहाँ पर आई का यूज़ अभी हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं होता है लेकिन कुछ ऐसी लाइब्रेरीज भी है जो फुल्ली आई से ही रिलेटेड है नाउ वट डेज मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज आपने देखा होगा अभी आज के ज़माने में बहुत सारी लाइब्रेरी कंप्यूटराइज ही है इच बुक हैज़ अ बार कोड एसोशिएटेड विथ इट और उसके लिए सभी बुक के ऊपर एक बार कोड लगा होता है अब आप पूछेंगे बारकोड क्या होता है तो बारकोड एक स्टेप का कोड होता है जिसके थ्रू जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट या आइटम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है एज एग्ज़ाम्पल आप मार्केट का कोई सा प्रोडक्ट देख लीजिएगा या फिर आप साबुन देख लीजिए या फिर कोई सा भी आइटम बिस्किट देख लीजिए बिस्किट के कवर के ऊपर भी एक बारकोड लगा हुआ होता है एक वाइट एंड ब्लैक लाइनिंग छोटे से एक स्क्वायर ब्रैकेट या फिर रेक्टेंगल ब्रैकेट के अंदर लगा होता है उसी को हम बारकोड बोलते हैं और उसी को रीड करने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम बारकोड रीडर बोलते हैं दिस मेक्स इट इजियर फॉर द लाइब्रेरी टू कीप ट्रैक ऑफ बुक्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बुक इससे क्या होता है कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक कहाँ पर रखी है या फिर कौन सी बुक की अवेलेबिलिटी है या नहीं है उस वह पता लगाने में बहुत इजी बन जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज यूज टू इशू एंड रिटर्न द बुक और यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या होता है कि बुक को इशू करना और वापस से उसको रिटर्न लाना इच बुक इन द लाइब्रेरी हैज़ अ मैग्नेटिक स्ट्रिप अटैच्ड टू इट दैट इज डीएक्टिवेटेड बिफोर द बुक कैन बी बॉलरोउ लाइब्रेरी के अंदर जितनी बुक होती है सभी के साथ में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप अटैच की जाती है उसको उस समय डिएक्टिवेट किया जाता है जब उसको किसी को उधार दी जाती है या फिर बॉलरोड की जाती है क्वेश्चन नंबर सेवन व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ एजुकेशन वेयर आईटी इज यूज्ड एजुकेशन की कुछ अलग अलग प्रोसेस जहाँ पर आई का यूज़ होता है और ये अपनी नॉर्मल लाइफ में आपने बहुत सारी जगह पर देखा है और अभी भी आप आई का ही यूज़ कर रहे हैं हमारी स्टडी में द वेरियस प्रोसेस ऑफ एजुकेशन आर आई सी टी इन क्लास रूम इट इज़ यूज टू ई लर्निंग क्लास रूम इसमार्ट बोर्ड प्रजेंटेशन वीडियोज़ मैगजीन्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल गेम्स गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इसका यूज़ हम ई e लर्निंग के लिए करते हैं ठीक है स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं वीडियो देखने के लिए मैगजीन्स देखने के लिए लेटर एंड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एजुकेशनल गेम्स के लिए या फिर कुछ एजुकेशन, एजुकेशनल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम यूज़ करते हैं आई का हमने राष्ट्रीय भी देखा था कि हमारे कुछ क्लासेस के अंदर हमने स्पेशल प्रोजेक्टर लगवाए थे जिनका यूज़ टीचर्स आपको प्रजेंटेशन दिखाने के लिए या उससे रिलेटेड वीडियोज़ को दिखाने के लिए करते हैं एजुकेशन एनी वे एनी टाइम स्टूडेंट कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑफ देयर सब्जेक्ट एट एनी टाइम यूजिंग इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेराइटीज ऑफ वेराइटी ऑफ सब वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को किसी भी समय पर इंटरनेट की हेल्प से किसी भी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल डब्ल्यू 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 डॉट ई पाठशाला डॉट एन आई सी डॉट इन और मोबाइल ऐप यह एक ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप है जिसके अंदर हमें स्टडी से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है टीचर और ट्रेनर कैन बी कॉन्टैक्ट वाया इंटरनेट टू यूज़ डब्ल्यू बी टी दैट मीन्स वेब बेस्ड ट्रेनिंग एक टीचर या फिर हम एक ट्रेनर भी बोल सकते हैं वह इंटरनेट का यूज़ वेब बेस्ड रिलेटेड ट्रेनिंग में भी कर सकते हैं टीचिंग एड्स विथ टीचिंग एड्स एंड मीडिया आई सी टी इज़ यूज एज़ अ टीचिंग एड इन स्कूल टू यूज़ पिक्चर्स एनिमेशन एंड ऑडियो विजुअल्स टू एक्सप्लन सब्जेक्ट्स दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लन टीचर आई सी टी का यूज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ स्कूल में एक टीचिंग एड के थ्रू भी कर सकते हैं टीचिंग एड दैट मीन्स टीचिंग में हेल्प करने वाली कुछ वस्तुओं के लिए एज एग्जाम्पल हमने प्रोजेक्टर पर कुछ पिक्चर्स uh, को देख सकते हैं एनिमेशंस को देख सकते हैं ऑडियो वीडियो से रिलेटेड एक मूवी देख सकते हैं ताकि वह उनके सब्जेक्ट को या टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन और यदि हम किसी भी लेसन को प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाते हैं तो वह लेसन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ बिंग यूज बाई मैनी कंट्रीज़ टू मैनेज इस्कूल सिस्टम एल एम एस सिस्टम का यूज़ बहुत कंट्रीज़ में स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए किया जाता है इट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न बेटर एंड विल अनेबल टू पेरेंट्स टू मोनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन यह स्टूडेंट को बहुत अच्छे तरीके से सीखने के लिए हेल्प करता है और इसी के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वह घर बैठे अपने स्टूडेंट्स को या अपने चिल्ड्रन को वहीं से मॉनिटर कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक बढ़ी है सो इन दिस वीडियो we learn question number 4 5 6 and 7 remaining question we will study in the next video please write all these 4 questions in your copy and manage your copy